श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गुजरात में दिए गए बयान पर आपत्ति जताई है और कहा कि इस तरह के बयान समाज में भेदभाव पैदा करने वाले हो सकते हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी आमंत्रित किया गया था। यह बयान आपत्तिजनक, असत्य और भ्रामक है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने गुजरात के गांधीनगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में इसलिए नहीं आमंत्रित किया गया था क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती है। ट्रस्ट ने इस बयान पर संज्ञान लिया है। राहुल जी ने गुजरात में किसी सभा में बोलते हुए कहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी होने के कारण नहीं बुलाया गया। हमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महामंत्री होने के नाते, ट्रस्टी होने के नाते राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। ये वाक्य नितांत असत्य हैं, निराधार हैं और भ्रामक हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आदरणीय राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार और इनके पूर्व के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी दोनों को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में पधारने का निमंत्रण दिया गया था। हम उन्हें यह भी बता देना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यधिक गरीब ऐसे समाज के तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया था और वे पधारे थे। संत महापुरुष समाज जीवन में यश प्राप्त करने वाले और अपने कार्यों से हिंदुस्तान की मान मर्यादा बढ़ाने वाले, भारत सरकार ने जिन लोगों को पद्मश्री दिया, ऐसे तमाम लोगों को